News coming in from Gujarat, and in Surat, 15 workers were crushed to death by a dumper truck. Five people have been injured. They were asleep on the pavement when the workers were crushed. Let's go across to Manish Panwala for more. Manish, ye kis samay accident hua aur kaise? करीब 12 बजे की बात है, सूरत से करीब 40 किलोमीटर दूर चीन करके जगह है, वहीं पे पालोद गांव है, वहां पे ये हादसा हुआ है। रात को करीब 12 बजे एक ट्रक और डंपर में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट के बाद जो डंपर का जो चालक था, जो ड्राइवर था, वो उसकी अपने स्टीयरिंग पे से कंट्रोल गंवा चुका और सीधा जाके रोड के साइड पे सोए हुए लोगों पे जाके वो डंपर चढ़ गया। और करीब उसी वक्त वहीं पे 20 लोग सोए हुए थे जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के रहने वाले माने जा रहे हैं, और जो लोग सोए हुए थे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर के तौर पे काम कर रहे थे, तो किसी को रात के वक्त अचानक से ये हादसा हुआ, तो किसी को बचने की कोई गुंजाइश नहीं मिली और 20 लोगों पर यह डंपर पूरी तरह से चढ़ गया था, और जिस वजह से घटना स्थल पे ही 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 8 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, वहीं पे तीन और लोगों की मौत हो गई है। कर दीजिए। All right, Manish, thanks so much for joining us with those details. Very, very tragic. 15 workers from Rajasthan who were sleeping on the pavement crushed to death around midnight by a dumper truck where the driver seems to have lost control. And as Manish was telling us, around 8 of them have also been taken to the hospital.